नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम मंडल। एग्जाम मंडल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत सामान्य जीके के सामान्य जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, सभी से अनुरोध है, प्लीज़ अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा है, उस पर दबा करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो आएगी तो तुरंत देख सकें आप। दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानियों से संबंधित वीडियो डल चुकी हैं, तो सभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो किसने किया था, जल्दी आंसर दें इसका। किसने किया था, अपना आंसर सोच लिया होगा। ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन हो जाएगा, कर्नल नासिर, कर्नल नासिर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर संबंध किस धर्म से है? दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंध रखता है? तो किससे हो जाएगा, जल्दी आंसर बताएं। ये हो जाएगा किसे, जैन धर्म से। किसे हो जाएगा, जैन धर्म से हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन एक नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है? भारत की कौन सी एक नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है? अपना आंसर सोचें जल्दी, कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो क्या है राष्ट्रीय गीत, ये हो जाएगा वंदे मातरम, कौन हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिपकली एक जानवर है, छिपकली एक जानवर है, कैसा जानवर है छिपकली, कैसा है, अपना आंसर सोचो जल्दी। तो ये हो जाएगा शीत रक्त, कैसा हो जाएगा, शीत रक्त हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कौन है दोहरा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी, कौन है, तो ये हो जाएगी मिताली राज, कौन हो जाएगी, मिताली राज हो जाएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा मिताली राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1956 में, डी ऑप्शन हो जाएगा 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन नगर, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, कौन सी हो जाएगी, छिप्रा, कौन सी हो जाएगी, छिप्रा हो जाएगी, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी अनुमूलन दिवस किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? गरीबी अनुमूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो किस पंचवर्षीय योजना का था, यह था पांचवी का, किसकी था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था, तो किसके साथ था, यह था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, डी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन तोरह, किस नाम से, तोरह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, रियाल, किस नाम से, रियाल के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ईरान की अभी अभी मुद्रा का इसने दूसरा नाम क्या कर दिया है, इसने कर दिया है तोमान, क्या कर दिया है, तोमान कर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो क्या है, ये हो जाएगा डायोप्टर, क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और सभी से अनुरोध है, लाइक करें वीडियो को, थोड़ी सपोर्ट करें अपने भाई की, दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा इससे। और क्या है,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करे बगैर कोई नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों रिपीट हो गया था क्वेश्चन। अगला, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश से था, ये हो जाएगा मौर्य वंश, सॉरी किससे था, गुलाम वंश से। कौन हो जाएगा, गुलाम वंश, सी ऑप्शन हो जाएगा गुलाम वंश, सॉरी दोस्तों गुलाम वंश होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीयों यानी एंग्लो इंडियनों को मनोनीत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो कितने व्यक्तियों को करता है, एंग्लो इंडियनों को कितने करता है, तो यह क्या हो जाएगा, दो, डी ऑप्शन हो जाएगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो किसकी है, किसकी हो जाएगी, यह पारसी, ये ऑप्शन पारसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, ये हो जाएगा ओम, ये ऑप्शन हो जाएगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो किस देश के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है फिलीपींस के, सी ऑप्शन हो जाएगा फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सात पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? सात पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है रोम को, किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा रोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से मक्खन निकालने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, वह बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक, कौन हो जाएंगे, सी अबुल कलाम आज़ाद, कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, तो किसका है, ये हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, किसका, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताते चले अपने आंसर का, ताकि हमें भी पता चले आपने कितने सही किए। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थापित है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थापित है, तो किस राज्य में, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, और किसने बनाए थे, यह चंदेल शासकों ने बनवाए थे, किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो क्या, जल्दी सोचें, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी से अनुरोध है प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कोई वीडियो लाइक करे बगैर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, किसने की, अपना आंसर जल्दी सोचें और कमेंट बॉक्स में दें, ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, या गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इसके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जी कौन थे, इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है, तो किस नगर को जाना जाता है, जल्दी आंसर बताएं, क्या हो जाएगा इसमें, बेंगलोर, डी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलोर, किस नगर को जाना जाता है, बेंगलोर को जाना जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर किस धर्म की, किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है, तो किस धर्म का है, जल्दी आंसर बताएं, किस धर्म का है, ये हो जाएगा पारसी का, बी ऑप्शन हो जाएगा पारसी धर्म का। दोस्तों
लास्ट क्वेश्चन आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखी होगी तो दोस्तों उस पर टच कर लें, सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप देख सकें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजयी मिली थी, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन जीता था, तो कौन जीता ये हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली बी ऑप्शन हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट है दोस्तों। अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में हो जाएगी या जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, किसमें, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों टोटल क्वेश्चन हो गए थे, इतने क्वेश्चन है। तो मोटिवेशन कोट क्या है, मोटिवेशन कोट है, अगर लोगों के दिलों पर हुकूमत करनी है तो बहाने नहीं प्लान बनाओ, बहाने बनाना छोड़ दो, नहीं यार कल से पढ़ूंगा, आज मन नहीं कर रहा है, कल करेगा तो कल पढ़ूंगा, ये बहाने बनाना बंद कर दो और अपने प्लान से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, जब ही कुछ होगा नहीं। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है इस महामारी के दौर में लोगों की नौकरी चली गई, तो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए भावुक हो रहे हैं, तो सभी अपनी तैयारी को बरकरार रखें, और सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एग्जाम होल्डर, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम आईडी है दोस्तों वो है अशोक जी के ट्रिक्स, अशोक जी के ट्रिक्स के नाम से, तो इसे भी फॉलो कर लें, इससे क्या है आपको PDF वगैरह देते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें अपने भाई की, दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे क्या है अगली वीडियो आए तो आप तुरंत ही देख सकें, कोई भी वीडियो लाइक करे बगैर नहीं जाएगा दोस्तों, सभी भाई सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।